welcome to MasterChef India. MasterChef Kitchen में तो twists and challenges और बहुत बड़े surprises तो होते ही है. आज के चैलेंज में भी एक ऐसा बहुत बड़ा सरप्राइज जुड़ा है. Are you guys ready for today's challenge? Yes, sir. मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या चैलेंज होगा, लेकिन होगा तो कुछ तगड़ा चैलेंज ही. क्या लगता है आपको, आपके सामने रखा है? मुझे वो क्लॉशेस देख के डर लग रहा है, क्योंकि हर बार कुछ क्लॉशेस आता है, क्या नया नया ट्विस्ट भी रहता है, सरप्राइज भी रहता है. तो मुझे आज लग रहा है कुछ तो हमारा बैंड बजने वाला है आज. चलो हम आपको दिखाते हैं क्लॉशेस के नीचे क्या है. ग्रीन चिलीज. थर्ड क्लॉश के अंदर है इमली. मतलब ओ माय गॉड, मतलब क्या बैलेंस है. पहले तीखा, फिर आ रहा है बहुत ही ज्यादा बिटर, उसके बाद खट्टा, अब क्या है, अब मीठा है. फर्मेंटेड बीन्स. मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, मतलब साफ हो गया ना कि आज का चैलेंज कोर इंग्रेडिएंट चैलेंज. आमतौर पे हम कहते हैं कि दिल, दिमाग, स्ट्रेटजी ये यूज करिए और इंग्रेडिएंट चूज करिए. आज हम कहेंगे दिल, दिमाग, स्ट्रेटजी, सिक्स्थ सेंस, सब यूज कर लीजिए जब आप इंग्रेडिएंट्स चूज करेंगे. तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं इससे क्या इनोवेटिव बनाऊं कि यही मेरा इंग्रेडिएंट स्टैंड आउट करे. रेडी? यस शेफ. सूरज. यस शेफ. आप कौन सा इंग्रेडिएंट चूज करेंगे? करेला. प्लीज 10 कार्ड ले लीजिए. निधि, आप कौन सा इंग्रेडिएंट चूज करेंगे? इमली चूज करूंगी. मान धनिया चूज करूँ. तो मान धनिया इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया. इसका फ्लेवर कैसा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है, पढ़ा है कि ये धनिया से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. शेफ, मैं सॉर्टेड बेरीज चूज करूँगी. फर्मेंटेड सोयाबीन. आई एम गोइंग ग्रीन चिली. होम कुक्स, जो इंग्रेडिएंट्स आपने चूज किए हैं, क्या ये आपके फेवरेट हैं? नहीं. बट ये किसी के फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं? होम कुक्स, बी रेडी फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द सीजन. सरप्राइज उनके दिमाग में जाता है, अरे सरप्राइज नहीं होगा, जरूर कोई शॉक ही होने वाला है, क्योंकि शॉक ज्यादा लगता है हमें हमेशा जो भी सरप्राइज होता है. तो देखते हैं ये इंग्रेडिएंट्स किन के फेवरेट हैं. प्लीज वेलकम मास्टर शेफ टॉप 6 होम कुक्स लास्ट सीजन. सबसे ज्यादा खुशी मुझे कमलदीप जी को देखकर हो रही है, क्योंकि वो भी लुधियाना से है एंड मैं गोविंदगढ़ से हूँ. हम बहुत पास पास से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो मेरे पड़ोसी होते हैं. काश मैं नीचे होता और काश मैं नयन के साथ कुक कर पाता. मास्टर शेफ किचन मेरे लिए हमेशा से एक मंदिर से कम नहीं था, और आज जैसे आई हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है. देखिए, जब आप आए थे तो हमने कहा था कि आप पैशन लेके आइए और पहचान मास्टर शेफ दिला देगा. ये पैशन से पहचान की जर्नी के एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने खड़े हैं. मास्टर शेफ ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, लोगों से सम्मान मिला और इतना सारा प्यार आती, मेरा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गया पोस्ट मास्टर शेफ. मास्टर शेफ ने हमारी लाइफ को एक ऐसा टर्निंग पॉइंट दे दिया कि जहां हमें अपनी पहचान मिली.
कुछ कनेक्शन बन रहा है कि देखो जहां आप पिछले साल थे इस बार हम हैं। सूरज क्या उठाया आपने? सिर्फ करेला। क्या लगता है किसका फेवरेट है करेला? कमलदीप जी का फेवरेट। केडीके जी का फेवरेट करेला। तो सूरज जी शेफ, केडीके जी और करेला साथ साथ। जी शेफ। निधि आपका इंग्रेडिएंट क्या था? शेफ मैंने आज चुना इमली। गेस कीजिए आपके पार्टनर कौन? अरुणा जी। यू आर राइट अरुणा जी। रुखसार आपने क्या इंग्रेडिएंट चूज किया? मान धनिया। और जहां मान धनिया वहां शांता। कृति क्या चूज किया आपने? शेफ मैंने सॉर्टेड बेरीज चूज करी है। किरत मोहम्मद आशिक आपने चूज किया फर्मेंटेड सोयाबीन। नयन ज्योति एंड मोहम्मद आशिक। हैरी सुवर्णा जी ये जोड़ी हमने नहीं बनाई, कुदरत ने बनाई है। आज किसका ठेचा बनने वाला है, हैरिका के मिर्ची का? आज हमारे होम कुक्स वो होंगे एग्जीक्यूटिव शेफ्स और पिछले सीजन के टॉप सिक्स हैं आपके सुशेफ्स। सुशेफ्स उनकी मदद करेंगे और उनकी प्लानिंग और डिश क्रिएशन में इनपुट्स देंगे। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियरली ऑन द एग्जीक्यूटिव शेफ। एज अ सुशेफ बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसका जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है उसको जितना हो सके मदद करे, और आज भी मैं वही करने वाला हूँ। आज का जो आपका एडवांटेज है वो एक बहुत स्पेशल एडवांटेज, बिकॉज आज यहां बहुत स्पेशल गेस्ट आए हूं। ये पावर कार्ड, इस पावर कार्ड का इस्तेमाल करके आप अगले हफ्ते के पहले दो चैलेंजेस में से कोई एक चैलेंज स्किप कर सकते हैं। आज पावर कार्ड मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है कृति के लिए। तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील हो रहा है कि मेरे को ये कार्ड कृति को दिलवाना ही है। भाई इज्जत का सवाल है अपनी भी। और आज जीतने वाला होम कुक इस हफ्ते के लिए सेफ हो जाएगा। ओ, मेरा पास है नयन ज्योति और मैंने भी है। हम आज कुछ भी करके हमारा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है और कार्ड मुझे किसी भी हाल में हासिल करना है। होम कुक्स इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट और आपको पैंट्री पिक के लिए मिलेंगे पूरे 5 मिनट। बट आपकी टीम्स में से सिर्फ एक आपका सू शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ पैंट्री में जा सकता है पिकअप के लिए। Are you guys ready for the challenge? Yes, sir. और आज खाने में कितना प्यार होगा? इतना। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब कुकिंग शुरू हो, कब सब कुछ वैसा ही चालू हो जाए जैसे हम भागते थे दौड़ते थे। और एक घंटे में खाना बनाना है, 5 मिनट है, 2 मिनट है, प्लेटिंग करनी है, सब कुछ। वो एक्साइटमेंट, वो चीज, वो एनर्जी के लिए मैं इतने दिनों तक वेट कर रही थी। होम कुक्स आपको मिलेंगे 2 मिनट अपनी आइडिएशन करने के लिए कि क्या बनाने वाले हैं आप इस चैलेंज के लिए। आप लोग आइडिएशन के लिए अपने काउंटर्स पे जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्विस्टेड करेला कीश, जिसमें हम एक टार्ट का बेस बनाएंगे, उसके बाद उसमें घी रोस्ट करेला मटन की स्टफिंग होगी और टॉप पे हम एक चीज की लेयरिंग करके उसे बेक करेंगे। हमारा सब कुछ मूज वाला कंसिस्टेंसी में है, ब्लूबेरी कलाकंद। आज जो हमने डिश बनाने का सोचा है उसका नाम हमने रखा है द बेरी फॉरेस्ट, क्योंकि हम एक फॉरेस्ट थीम के अराउंड प्ले कर रहे हैं। तो बहुत एक्साइटिंग डिश होने वाली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कुक ऑफ स्टार्ट करने के लिए। जीरा और फ्लावर और थोड़ा सा शुगर। हमने सोचा कि आज टैमरिंड को रखे एक डेजर्ट बनाएंगे। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डिश इफ यू नो हम जैसे सोच रहे माइंड में वैसे एग्जीक्यूट हो जाए। होम कुक्स आपके आइडिएशन के 2 मिनट खत्म हो चुके हैं और अब बताइए कि आप में से कौन जा रहा है पैंट्री पिक के लिए।
तो मैंने सबसे पहले दिमाग में लाया पैंट्री में तो मैं जाऊंगी। इतने महीने के बाद मुझे पैंट्री में जाने का मौका मिला है, तो सबको पता है सुवर्णा एक मिनट में पूरे महीने का राशन भर के आएगी। Are you guys ready for the challenge? Yes, chef. 3, 2, 1, now! करुणा जी मुझे बार बार बोल रही है कि कुछ भूलना मत, तू दही भूल गई थी तो आज दही भूल के बिल्कुल मत आना। सबसे पहले मैं प्रोटीन मटन ले रहा हूँ और उसके साथ टैमरिन और जैगरी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा और जैसे नॉर्मली घी रोस्ट होता है ना, तो वैसे ही हम लोग थोड़ा सा घी में रोस्ट करने के सोच रहे, तो उस हिसाब से मैं पैंट्री पिक कर रहा हूँ। सुवर्णा जी, हाँ जी, शॉपिंग चल रही है पूरी? कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। वो तो पता है हमको, सुवर्णा के हाथ में अगर दो टोकरियां दे दो तो वो दो भी भर के चली जाएगी वहाँ से, है ना? हाँ जी, बास्केट भरते गई, शेफ रणवीर भी हंस रहे हैं, वही सारी नॉस्टैल्जिया हो रहा है, वही दिन याद आ रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं पिक कर रही हूँ बेकिंग के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर एंड कुछ जिंजर, चॉकलेट एंड ऑलमोस्ट सब सामान मैंने पिक कर लिया है। होम कुक्स, लास्ट 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फैंटास्टिक। पेंट्री पिकअप से वापस आ रहे हैं, सो मैं देख रहा हूँ इतना भर के मैं भी नहीं ला सकता था, सो अच्छा डिसीजन है उन्होंने जाके पेंट्री पिकअप किया। होम कुक्स, आपकी 60 मिनट्स ऑफ कुकिंग टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड लक। टाइम 60 मिनट्स है लेकिन हाथ चार हैं, दिमाग दो है और मुझे लगता है वुमेन पावर है। आज इमली का आइसक्रीम बना रहे हैं जिसके साथ बेर चिली एंड जिंजर का एक सॉस बना रहे हैं, टैमरिन का डस्ट बन रहा है एंड इनके जो एलिमेंट से बांग जीरा और फेनल का एक क्रम बना रहे हैं एंड लीव्स का डस्ट बन रहा है। तो वी हैव अबाउट 5 to 6 एलिमेंट्स, हम बहुत सॉर्टेड है, तो आई थिंक एक घंटे में तो आराम से ब्यूटीफुल डिश वी कैन पुल इट ऑफ, सो आई थिंक आज मजा आने वाला है। आज फिर से मौका मिला है मुझे मिर्ची खिलाने का, ठेजा खिलाने के लिए, तो हम टाको बना रहे हैं मशरूम के साथ, ठेजा मशरूम फिलिंग रहेगा, उसके साथ एक चटनी साउथ इंडियन टच उनका भी फ्लेवर आएगा, फिर चिली ऑयल आएगा उसके साथ। मैं लेकर आई हूँ मान धनिया और मेरा ऑल टाइम फेवरेट, तो कश्मीर और असम मिलने वाले हैं, सो हम लोग एक स्टफ चिकन बनाने वाले हैं जिसमें मान धनिया की चटनी जाएगी, क्रम्स जाएंगे और साथ में एक रोस्टेड प्लम और टोमेटो का एक मतलब सॉस जाएगा। इन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है ऑथेंटिक खाना बनाने की, तो रिजल्ट जो भी हो मैं तो बहुत खुश हूँ अभी से। मेरा जो कोर इंग्रेडिएंट्स है फर्मेंटेड सोयाबीन है, तो मैं पहले बार यूज कर रहा हूँ, आज नयन जो थी मुझे बचाना है। सबसे मेरा सेवरी में फेवरेट है वो है पास्ता, तो ऑब्वियसली अखुनी और पास्ता को मिला के हम लोग एक अखुनी का फ्लेवर्ड वाला पास्ता बना रहे हैं, हम लोग थोड़ा और कलर देने की कोशिश करें। सबसे पहले केडीके जी लग जाते हैं जो मटन का और जो करेला का जो स्टफिंग है उसको बनाने के लिए, और मैं लग जाता हूँ मटन को कीमा करने की तरफ। अब इस हफ्ते का वाइब, इस हफ्ते की एनर्जी देखिए किसी और ही लेवल पे, राइट? द किचन इज सो पॉजिटिव एंड हैप्पी। कल दिवाली के लिए सारे होम कुक्स के परिवार वाले आए थे तो एनर्जी हाई थी, आज देखिए एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली आई है मास्टर शेफ की और साथ में सब खाना बना रहे हैं। इट्स ऑल्सो बहुत एस्पिरेशन है इनके साथ जो आज जुड़े हैं पिछले सीजन के होम कुक्स, वो उन्हें एस्पायर करते हैं टू परफॉर्म द बेस्ट इन दिस किचन। मुझे लगता है दे आर लर्निंग एट अ वेरी हाई स्पीड। आई थिंक खाने में प्यार तो बहुत होगा, है ना? होम कुक्स, 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, 50 मिनट्स लेफ्ट, अभी तक प्रेप शुरू हो जाना चाहिए, मेन एलिमेंट्स चूल्हे पे होने चाहिए। ऑलराइट, लेट्स गो।
आज के चैलेंज में सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट रुलाड होने वाला है, जिसके अंदर हमें मान धनिया की चटनी की स्टफिंग करनी है और उसके बाद उसे पोच करना है। और पोचिंग में हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि कहीं ये अंडर कुक या ओवर कुक ना हो जाए, तो वो टाइम मैनेज करना और क्योंकि साइड बाई साइड बहुत से एलिमेंट्स भी चल रहे हैं, वो पार्ट हमारे लिए बहुत ट्रिकी है। हम पहले पास्ता से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पास्ता पहले बनाना है, तो पास्ता के लिए उन्होंने डो नीड कर रहा है और डो को हम तीन डिवाइड किया, एक में बीटरूट का कलर डाला, एक में स्पिनिच का डाला, एक नॉर्मल रख दिया। क्या बन रहा है शेफ? हम टैमरिंड आइसक्रीम बना रहे हैं आज। टैमरिंड आइसक्रीम? यस शेफ। बेर चिली एंड जिंजर कंपोट एंड बंगजीरी का क्रम्बल दे रहे हैं। इमली के कितने फॉर्म्स यूज कर रहे हैं आप? शेफ हम ड्राई इमली भी यूज कर रहे हैं और हम दूसरी इमली भी यूज कर रहे हैं, टैमरिंड की लीव्स भी यूज कर रहे हैं। तो इमली का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। टैमरिंड की लीव्स कहाँ यूज कर रहे हैं आप? डस्ट बना रहे हैं शेफ एक इसके साथ, और जो क्रम्बल रहेगा उसमें थोड़ा सा। ओह वाव, द आईडिया इज ब्रिलियंट, द टैमरिंड लीफ वाला आईडिया। अब सडनली नाउ वी आर ऑल लिसनिंग। देखिए शायद हम दोनों को आज फ्लेवर्स पे कहीं ना कहीं प्ले करना है, क्योंकि आप एक रिस्क ले रहे हो टैमरिंड की आइसक्रीम बनाकर और उसके साथ आप एक चिली जिंजर का सॉन्ट वाला ग्लेज दे रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा अलग अलग हमने देखी हैं और आज इकट्ठे प्लेट पे उन चीज़ों को निकालना इज डेफिनेटली अ चैलेंज फॉर बोथ ऑफ अस। बड़ी पुरानी यादें आ गई आपको। सार जी, क्या है डिश? तो हम मान धनिया कॉकर बनाने वाले हैं। यूजुअली वो जो दानवल कॉकर है वो एक ग्रेवी के फॉर्म में होता है, लेकिन हाँ उसमें ग्रेवी जो बनती है उसकी जगह हम फिलिंग करेंगे। ये फिलिंग किसकी है? इसमें मान धनिया है, थोड़ी चिलीज है, पनीर है और थोड़ा गार्लिक है। तो इसको रोल करके पोच करेंगे? जी शेफ। रुखसार जी, अक्सर क्या होता है ना कि फिलिंग की कंसिस्टेंसी अगर बहुत डिफरेंट होती है मीट से तो फिलिंग निकलने लग जाती है बाहर, राइट? यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं फिलिंग को रोकने के लिए, एक तो वॉलनट, राइट? उसका प्रोपोर्शन यू टू मेक श्योर इट्स इनफ ताकि फिलिंग को बाइंडिंग मिल जाए, रुलाद की फिलिंग को, नहीं तो आप एक हल्का सा कोई भी स्टार्च डाल सकते हैं ताकि फिलिंग को बाइंडिंग मिल जाए, वो बह के बाहर ना आए। अक्सर रुलाद में ये प्रॉब्लम होती है कि मीट अलग हो जाता है, फिलिंग अलग हो जाती है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। रुलाद ऐसा एक ट्रिकी डिश है, सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन अगर अच्छे से रोल नहीं हुआ है, अच्छे से वो कुक नहीं हुआ है, तो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है निधि और अरुणा की डिश, एक इमली की आइसक्रीम। इमली जो है वो हमको सबको पता है खट्टी मीठी बहुत अच्छे फ्लेवर में जाती है, उसमें वो जो स्पाइस नोट्स डाल रहे हैं, इमली गोली वाला जो एक फ्लेवर है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ब्रिलियंट। इमली के पत्ते का इस्तेमाल अगर वो अच्छे से कर पाएंगे तो दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। आई एम वेरी एक्साइटेड। And I feel कि four ingredient तो इमली use कर रहे हैं लेकिन कुछ supporting balance, कुछ दूसरा flavor नहीं आने वाला है। I think it's I agree. मेरे हिसाब से इनकी जो ice cream है होनी चाहिए थी इमली और खजूर की ice cream। Something. मुझे पसंद आया असम और कश्मीर का ये मिलन हो रहा है यहाँ पे, और मुझे पता है दोनों इतने सदे हुए cooks हैं कि इनके flavors कहीं नहीं जाने वाले, बस presentation में थोड़ा ध्यान दें। मुझे इसलिए interesting लग रहा है because yeah. जो उसका कोर इंग्रीडियंट है turned it upside down. And I think वो स्वीटनेस के लिए जो एप्रिकॉट डाल रहे हैं अंदर, yeah. I'm excited to try वो that. तो रुखसार के सरप्राइज एलिमेंट्स बीच में जाने चाहिए। क्या बन रहा है? तो हम लोग आज एक अकुनी सॉस का एक पास्ता बना रहे हैं, उसके अंदर साउथ का फ्लेवर है करी लीफ का प्रॉन्स, उसके साथ एक हम लोग हनीकॉम बना रहे हैं इसके लिए क्रिस्प एलिमेंट के लिए। तो इसमें आपने बीटरूट और स्पिनच यूज किया है और इसको आप अभी रोल कर रहे हैं। लिफ्ट इट अप नयनज्योति, उठा, ये देखिए फिनिश, देखिए लाइंस, देखिए बारीकी, देखिए। ऑलराइट, जितना पास आप रह सकते हैं उतने पास रहिए, आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। दूसरा, अकुनी की अगर बात करें तो फर्मेंटेशन के बाद अकुनी में फ्लेवर्स तो डेवलप होते ही हैं, लेकिन अकुनी बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। सोयाबीन के जो प्रोटीन्स हैं वो अनलॉक होते हैं, बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स डेवलप होते हैं और मिनरल कंटेंट फर्मेंटेशन के बाद बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सुवर्णा जी, हाँ जी सर, कौन सा ठेचा बन रहा है आज? आज ऑरेंज।
ऑरेंज का ठेचा, हाँ, यानी ऑरेंज का थोड़ा सिट्रस उसमें जाएगा। इसके साथ एक शुगर केन जूस जो चिल्ली का बनाते हैं बेंगलोर में, वैसा एक गुड़ के साथ चिल्ली शरबत बना रहे। वाह जी, कितना कहेंगे, कितने परसेंट इनका है, कितने परसेंट आपका ये डिश? 80% मेरा है। ये पहला किचन होगा जहाँ पे 80% सू शेफ का मेन्यू है और 20% एग्जेक्टिव शेफ का मेन्यू है। जिस तरह से मैं हैरी जी की स्पीड देख रही हूँ तो मुझे 80% तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पीछे हट के तो नहीं चलेगा, तो मुझे शेफ को बताना पड़ा कि 80% तो काम मुझे ही करना है। ये क्या बना रहे हो? टाको बना रही हूँ, ओट्स का, ओट्स और थोड़ा मैंने सोया चंक्स लिया क्योंकि इतना सामान लाके भी मैं आटा भूल गई। ओह माय गॉड, तो इसमें आटा नहीं होगा? नहीं, आटा नहीं है, सोया चंक्स है और ओट्स है, पोहा है, थोड़ा बेसन है। सुवर्णा जी, मुझे लगता है आपको हाइड्रेट और करना पड़ेगा। ओट्स जो है वो पानी खींचता है, बेसन भी पानी खींचता है, इसमें पानी खींचने वाली सारी चीजें, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा ये। बहुत अच्छा एडवाइस लगा मुझे, क्योंकि ये टैको में शेप जो है, ये शेप में अगर हाइड्रेशन नहीं है तो वो डेफिनेटली टूट जाएगा। जैसे इंडियन खाने में और मैक्सिकन खाने में बहुत सिमिलैरिटी रहती है तवे का इस्तेमाल और डोज में, जैसे रोटियां बनती हैं आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं होती इनको, आप बेक कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ हेल्थियर वर्जन। पर ये बात ध्यान रखिए कि तापमान बहुत जरूरी होता है। थैंक यू शेफ। नैन ज्योति जो पास्ता बना रहे थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई जस्ट फील वो बहुत डेलिकेट है और सब फ्लेवर्स बैलेंस करने में, शेफ आपको क्या लगता है ये डिश में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अखूनी ओवरपावर नहीं कर सकता। आप पास्ता के अंदर फिलिंग बहुत सटल दे रहे हैं और साथ में एकदम से अगर शार्प सॉस होगा तो सॉस ओवरटेक कर लेगा पूरी डिश को, तो वो बैलेंस कैसे ढूंढना है? अखूनी को उसको और खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, डोमिनेट नहीं कर सकता। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। बाकी प्रेजेंटेशन में दोनों बहुत अच्छे हैं, मास्टर्स ऑफ इनोवेशन। एब्सोल्युटली, आई थिंक ब्यूटीफुल डिश, इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डिश। मुझे हैरी और सुवर्णा के टेबल पे लग रही है वो जो खिटपिट है वो बहुत ही विजिबल है, बिकॉज सुवर्णा सिंह 80% ये मेरी डिश है, 20% हैरी की डिश है। तो जब क्या होता है कि जब आपका सू शेफ आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो आपकी इनोवेशन को एकदम दबा देता है। डिश इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि टैकोज इट्स लाइक आर पराठा, यू नो, आप कुछ भी भर सकते हैं उसके अंदर, थॉट रिफ्लेक्ट नहीं करता है उसके अंदर। सो मैं वही देख रहा हूँ कि हैरी अपनी थिंकिंग कहाँ इन्फ्यूज करेंगे, फ्लेवर्स की कमी नहीं है उस टेबल पे। होम कुक्स, 30 मिनट्स कुकिंग टाइम इज अप। आपके पास बचे है 30 minutes. There's a great vibe in the kitchen. I hope you are on track. Let's go. Surprisingly, अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है, but I can say so proudly कि हम इतने sorted चल रहे हैं, हमारे सारे elements almost on track है, एक दो बन भी चुके हैं, so I think आज कोई tension नहीं है time को लेकर। और मान दनिए की कंसिस्टेंसी अब काफी अच्छी आ गई है चटनी की, और मुझे नहीं लगता वो stuffing बाहर आने वाली है। ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है, इसलिए मुझे बहुत सब्र से करना है, बहुत प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इसमें, तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे इसको रोल करने में। क्या चल रहा है गाइस? फिलो शीट्स हम देसी घी के साथ कर रहे हैं, उसके अंदर हम स्टफ करेंगे ब्लूबेरी का कलाकंद, साथ में स्पिनच का केक है ग्रीन कलर का के लिए, एंड साथ में हमारा चॉकलेट क्रम्बल भी है सॉइल के लिए, एंड एक जेली बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी एंड मिंट चिली जेली, और रास्पबेरी के स्टोन्स बना रहे हैं। रास्पबेरी के स्टोन्स भी हैं। कृति, आपके एलिमेंट्स मुझे बहुत लग रहे हैं, आई डोंट नो कि ये प्लेट पे कैसे। शेफ, पहले मेन एलिमेंट्स पे काम कर रही हूं। मेन को इंग्रेडिएंट चैलेंज है, याद रखना। यस शेफ। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू शेफ। शेफ की बात सुन के थोड़ा तो लग रहा है कि सच में कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कंसेप्चुलाइज कर लिया है, इसको प्लेट पे उतारना, एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी मम्मा। हेलो शेफ। बहुत टाइम बाद ऐसे वर्ड सुनने को मिले हैं कि मम्मा क्या बना रहे हो, कानों में ना एक अजीब सी खुशी मिली कि ये वर्ड हम मिस कर रहे हैं घर जाके कहीं ना कहीं।
क्या बना रहे हैं? नॉर्मली घी रोस्ट मटन होता है, उसको मैंने आज करेला घी मटन कर दिया, और उसके साथ हम रोटी देते हैं उसको मैंने आज कीश की तरह कर दिया। तो इसकी टॉपिंग क्या होगी? टॉपिंग में शेफ इसके ऊपर एक चीज फिलिंग होगा, फिर बेक करेंगे। कमलदीप जी, पिछली बार आपने जो करेले की डिश बनाई थी उसने जो बेंचमार्क है ना करेले का वो बहुत हाई कर दिया। सेंस ऑफ बैलेंस और वो हार्मनी जिसकी हम बात कर रहे थे वो आपकी रगों में है। इस बार वहां से शुरू करना है, मतलब इस बार की डिश उसके भी ऊपर जानी चाहिए। राइट, दैट्स द प्रेशर। गुड लक। गुड लक। गुड लक। थिंक जो डिजर्ट डिश बन रही है वहां पे कृति और किरत की, आई थिंक एक्साइटिंग भी है बट मुझे थोड़ी कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही है। उनकी जो कोर इंग्रेडिएंट है जो बेरीज, आई थिंक दे कुड हैव प्लेड वेरी डिफरेंटली। बहुत कुछ करना चाहते हैं वो उस प्लेट में, पर एक थॉट में क्लटर होगा तो प्लेट में भी नजर आएगा, और क्लटर उनके काउंटर पे भी दिख रहा है। एब्सोल्युटली। आई एम मोस्ट एक्साइटेड लास्ट काउंटर के लिए। ओह, करेला। मैंने सोचा नहीं था मैं ये कभी बोलूंगी कि मैं करेले के लिए इतनी एक्साइटेड। नो, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो गड़बड़ हो सकती है वो ये कि पाई का स्टार फिलिंग होती है, जो साइड का जो डो होता है वो सिर्फ उसको होल्ड करने के लिए होता है, तो वो अगर मोटा हो गया तो ऑफ बैलेंस हो जाएगी डिश। दूसरा, मुझे लगता है इस डिश की टोन को ब्रेक करने के लिए एक सैलेड चाहिए, और ये ड्राई भी होगा, इसकी सॉस भी चाहिए। हमको 45 मिनट्स हो चुके हैं, आकर सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इस टाइम पे थोड़े से काउंटर्स अपने क्लियर कीजिए और प्लेटिंग पे ध्यान दीजिए। तो मैं देख रहा हूँ कि 15 मिनट रह गए हैं, हमारा जो फिलो है वो अभी भी अवन में बेक हो रहा है, जैसा कलर हमें चाहिए वैसा कलर उस पर नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा डार्क ब्राउन वो चाहिए। तो अभी मुझे फील हो रहा है कि भाई मास्टर शेफ किचन का प्रेशर जो हमें लास्ट टाइम फील हुआ था वो अब फिर से फील हो रहा है। कीश अवन में नहीं गया, उसे भी 5-7 मिनट लगेंगे बेक होने में, फिर उसे ठंडा करने के बाद हमें उसे कट करना है एक स्लाइस में, तो वो थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि 15 मिनट में ये हमारा काम हो जाएगा आज। आखिरी 15 मिनट बचे हैं, असली रिजल्ट का समय है जब इसकी मैं क्लिंग रैप खोलूंगी और देखना है कि अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा वो मेरा मसाला बना हुआ है ना, वो वाला डिब्बी वाला, हाँ ये लिया, सॉल्ट मिर्च वो डब्बा ही उठा के लिया इधर। होम कुक्स, याद रखिए आपका एडवांटेज स्पेशल है, आपके सूस शेफ स्पेशल हैं, तो आपकी डिश बहुत स्पेशल होनी चाहिए। बचे हैं सिर्फ 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स गाइस। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा टेंशन है कि रुलाड अंदर से कच्चा ना रहे, होपफुली वो पक गया। हाँ हाँ, निकला है, ये ले, जल्दी कर। वेरी गुड, शाबाश। हुण की करा? उन्होंने ब्रश कर, मेरी हले भी तू गल सुन ले, अपन लंबी वाली हम वो लो। मैनू आंदी है पंजाबी। हमारी आज बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, कुछ उसको पंजाबी आती नहीं पर फिर भी कुछ वर्ड वो पंजाबी के बोल रहा है और मेरी बातें सुनी जा रहा है और हांजी करके काम कर रहा है और मुझे भी मजा आ रहा है। होम कुक्स, एक नजर घड़ी की तरफ, 2 मिनट बचे हैं आपके पास, और याद रखिए आज की बेस्ट डिश को मिलेगा पावर कार्ड जो आपको मास्टर शेफ किचन में बहुत काम आने वाला है। हमारी बेसिक प्लेट रेडी है, बस एक रुलाड को उस पर प्लेस करना है और रुलाड के हिसाब से हम अपना मान धनिया का अकरम और मस्टर्ड पिकल प्लेस करेंगे। जब मैं खाना बना रही हूँ अंदर से यही प्रे कर रही हूँ कि आज सब कुछ अच्छे से बन जाए और ये जो पावर कार्ड है आज सूरज को मिल जाए, क्योंकि वो जीतेगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जीत मेरी होगी। जो हमने मशरूम के नीचे चॉकलेट का हम बेस बना रहे हैं उसको स्टेबल रखने के लिए उसके अंदर कृति 7 स्टिक्स यूज़ कर रही है जो उसको होल्ड करेगा वहाँ पे। आई नो कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने उसको बोला कि अब जजेस को इन्फॉर्म जरूर करना किसके अंदर 7 स्टिक्स हैं। होम कुक्स, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 That's it. Time khatam, piche kadam. All right, home cooks, अब वक्त है आपके डिशेस को टेस्ट करने का और ये पता करने का कि आज के चैलेंज में कौन सा होम कुक सेफ होगा और साथ ही जीतेगा भावा कार्ड। रुखसार जी, शांता जी, प्लीज अपने प्लेट लेके आए। मुझे वो सारी चीजें याद आ रही हैं, आज हर एक मोमेंट मुझे याद आ रहा है, दिल में बस धक धक हो रहा है कि ऐसा मुझे नहीं चाहिए कि बहुत बेस्ट हो या कुछ, एटलीस्ट ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए कि मेरे फ्लेवर्स आज वीक है। मुझे बड़े टाइम बाद ये बोल के बड़ा अच्छा लगा जब मैंने कहा शांता जी अपनी प्लेट लेके आए। इट फील्स रियली गुड टू सी ऑल ऑफ यू बैक इन द किचन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सार जी, आपने क्या बनाया है, आपका कोर इंग्रेडिएंट क्या था? शेफ, हमारा कोर इंग्रेडिएंट मान धनिया था। हमारे यहाँ एक डेलिकेसी है दानवल कॉकुर जिसे बोलते हैं, उसमें यूजुअली धनिया जाता है, लेकिन आज मैं उसको मान धनिया स्टफ्ड कॉकुर बोलना चाहती हूँ। मान धनिया की चटनी बनाई है और चिकन के अंदर स्टफ किया है। उसके अलावा हमारे पास रोस्टेड प्लम और एप्पल्स की एक सॉस है और अजवाइन का क्रैकर है और मान धनिया का क्रम्ब है और येलो मस्टर्ड पिकल। मुझे ये लगता है कि ये जो शेप है, मैं जब ये शेप्स देखता हूँ मुझे लगता है यार तो शॉर्टकट मार। शॉर्टकट नहीं, बहुत ही लगता है पैक्ड फूड में से कोई चीज़ निकाल के रखी है, आपका सिग्नेचर नहीं रहता उसमें। ये इन छोटी छोटी बारीकियों से जो है ना बहुत फर्क पड़ता है, तो बस वो थोड़ा सा प्लेट को लेट डाउन करिए। और दूसरी चीज, क्योंकि उसकी हाइट है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज आप वही देखते हैं। क्या लगता है आपको, चिकन ओवर कुक तो नहीं है? नहीं, पक्का? बहुत कम कुक किया है हमने। चिकन थोड़ा ओवर कुक हो गया। मुझे जो पहले डर था कि चिकन कच्चा ना रह जाए, उसका पूरा रिवर्स हो गया। आपका क्रम्बल और आपका सॉस दोनों दिल जीतने वाले। फ्लेवर कॉम्पोजिशन वाइज इट्स एन एक्सलेंट डिश। अगर ये चिकन प्रॉपरली कुक्ड होता और क्रम्बिंग इवन होती और आपके जो गार्निशेस हैं उनकी एक मीनिंग होती, तो ये बहुत डिटेल्ड और आज की स्वाद आ गया डिश हो सकती थी। मुझे आपकी सॉस की रेसिपी दे दी। बहुत ही स्वाद है सॉस। मैं शेयर नहीं करूंगी, ये सीक्रेट है। जो पार्ट ऑफ दिस डिश जो बहुत ही हम बात नहीं कर रहे इसकी, वो है फिलिंग। फिलिंग इज जस्ट ब्रिलियंट। पनीर का इस्तेमाल करना मौन धोनिए के साथ एंड टू हैव दैट एप्रिकॉट का सरप्राइज एलिमेंट। थैंक यू, थैंक यू शेफ, थैंक यू। ब्यूटीफुल आइडिया, थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल। सूरज आ जाओ। शेफ, मेरा कोर इंग्रेडिएंट करेला था और आज हमने ट्विस्टेड करेला का किश बनाया है, जिसपे एक किश का टार्ट शेल है, उसके अंदर करेला के साथ थोड़ा सा मटन मिक्स करके उसका एक घी रोस्ट बनाया है शेफ, ऊपर से चीज़ एंड एग का एक लेयर दिया है शेफ, और साथ में शेफ एक मीन का चटनी है और टोस्टेड टमाटोज। करेले के साथ खीमे का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अच्छा है, आपने उस कॉम्बिनेशन को यूज किया, थॉट और टेक्निक्स ऑन पॉइंट लग रही हैं। द चॉइस ऑफ प्लेट कुड हैव बीन बेटर। बहुत जरूरी होता है मेरे लिए नीचे देखना कुक्ड है कि नहीं है। ब्यूटीफुली कुक। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच।
Oh my God. It is par excellence, the filling. Thank you so much. करेले कीमे को बांद्रा नीचे का जो है क्रस्ट मैजिकल उसमें धनिया की लेयरिंग है एक उसका जो मक्खन है वो बिल्कुल राइट प्रोपोर्शन में है आई एम एंजॉयिंग इट आई डोंट थिंक मैंने कभी करेला इतना एंजॉय किया है एक्सेलेंट जॉब थैंक यू जो फीलिंग है ना आपकी It's outstanding. Outstanding. Outstanding is the word. Mutton, karele, pyaaz ki mithas aur beech mein wo depth mein molasses yani jaggery ke deep notes uske upar tamarind itna kuch jo hai na wo it's just beautiful is the word. Sach mein. Jo filling hai na outstanding. इतना ज्यादा खुश हुआ और मैं कमलदीप जी को बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहा हूँ कि थैंक यू सो मच आज वही थे उनके वजह से आज हमने इतना अच्छा एक डिश बना पाया हर एक को मैं यही कहता हूँ अ डिश ऑलवेज हैंग्स इन द बैलेंस बैलेंस इज द स्टार ऑफ दिस डिश कॉम्पोजिशन अच्छा हो सकता था मेरे को अभी भी लगता है कुछ सैलेड और सॉस थोड़ा ज्यादा हो सकता था लेकिन जो इसकी जान है जो पाए आपने बनाई है वो माइंड ब्लोइंग है दिल जीत लिया थैंक यू वेरी मच सूरज थैंक यू कमलदीप Thank you. उन्होंने हमें हमारी प्लेट वापिस ही नहीं दी कि ये तो हम खाएंगे तो ये हमारे लिए तो यही लग रहा है कि हम आज जीत गए आशिक और मास्टर शेफ विनर नैन ज्योति अपनी डिश लेके आए आज आपने क्या इनोवेशन की है अकोनी के साथ हमने आज बनाया अकोनी बटर सॉस पास्ता तो स्टफ्ड विद करी लीफ प्रॉन्स तो उसके साथ हम एक हनी ट्विल बनाया है तो उसके साथ हम प्रॉन्स पोस्ट बनाया है अकोनी यानी कि फर्मेंटेड सोयाबीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है इनका पर वंस दे गो इन द सॉसेस और फिलिंग्स और करीज बट एक बहुत प्यारा एक नोट छोड़ के जाता है डिश में वो इसकी सॉस में बटर के साथ बहुत मजा आ रहा है नथिंग इज ओवर डन इट्स प्रिसाइज टू द पॉइंट इन द सॉस वेरी गुड जॉब थैंक यू सर एक बहुत लेयर्ड डिश है ऊपर जो है वो कड़ी पत्ते की फ्रेशनेस है फिर बॉडी जो है वो आपका प्रॉन है प्रॉन की मिठास है और नीचे एकदम जस्ट लाइक अ किंग अकुनी फॉर मी दिस लेयरिंग इज आउटस्टैंडिंग जो नैन के जो अकुनी और मेरा करी लीफ एक दूसरे से साथ अच्छे से बैठा है इतना तारीफ किया दो लोगों को हम दोनों बहुत खुश हो गए And उस लेयरिंग के ऊपर वो जो आपने स्प्रिंकल ऑफ करी पाउडर किया है ना दैट इज अ मास्टर स्ट्रोक वेरी वेल डन ये डिश प्रेजेंटेशन में और टेस्ट में मेरे लिए एग्जीक्यूटिव शेफ निधि प्लीज अपनी प्लेट लेके आए मैं बहुत मन से चाहती हूँ कि मेरी पार्टनर जो निधि को आज पावर कार मिले क्योंकि मैं आज किचन में आई तो एटलीस्ट कुछ तो उसको देके जाऊं शेफ मेरा आज का जो कोर इंग्रेडिएंट मैंने चूज किया था वो था इमली और मैंने बनाई है उससे एक इमली की आइसक्रीम साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो बनाए हैं फ्रेश टैमरिंड लीव्स का एक डस्ट साथ में भंगजीरी का क्रम्बल और जो हमारे यहाँ इमली सौंठ की चटनी बनती है उससे इंस्पायर होके एक इस पे ड्रिजल दिया है वो है जिंजर चिली एंड साथ में रेड बेर आई थिंक पोर्शन और प्रेजेंटेशन जो है इसको एक कोर्स की तरफ लैंड नहीं करवा रहा है यू नो डिजर्ट के लिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था और सॉर्बे कोर्स था थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था तो पोर्शन की वजह से भी एक जो कम्युनिकेशन होता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है वहां पर
आप लोगों ने ये सॉस टेस्ट की थी? यस शेफ। ठीक लगी थी आपको? आइसक्रीम के साथ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, वो अपलिफ्ट कर रहा है खटास मिठास आइसक्रीम की, साथ में तीखापन एक सॉस का, और साथ में क्रम्बल ऐड हो रहा है उसके साथ फॉर टेक्सचर। मतलब एक ऐसी चीज है कि आपको हर तरफ से अटैक कर रहा हो। मेरे लिए बहुत अच्छा एफर्ट है। पॉजिटिव्स, वो भांग जीरे की पंजीरी जो आपने नीचे बना के रखी है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। सो वेरी गुड एफर्ट। भांग जीरा पंजीरी इज समथिंग आई एम टेकिंग बैक। होम कुक्स, लेट्स वेलकम द किंग ऑफ लंच बॉक्स एंड द क्वीन ऑफ ठेचा। प्लीज अपनी डिश लेके आए। तो हमने आज एक मशरूम तेचा का टैकोस बनाया, उसके साथ में एक ग्रीन मूंग दाल और टोस्टेड ओट्स का सैलड बनाया, और एक मोर कोलम जैसा एक डिप बनाया, और एक जैगरी का शरबत बनाया। मुझे आइडिया बहुत सुंदर लगा, पर मुझे लगा कि जो इनोवेशन ढूंढ रहे थे इस चैलेंज में, खास करके ये बताया कि जब इतना एक्सपीरियंस है टेबल के ऊपर, तो सिर्फ एक बेसिक टाको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और चिली की किक है, बहुत राइट बैलेंस है इसमें चिली का। हर चीज क्रम्बली है, ब्रेड भी क्रम्बली है, अंदर का सैलड भी क्रम्बली है, अंदर की फिलिंग भी क्रम्बली है। मेरे लिए ये डिश साथ जुड़ नहीं पा रही। थैंक यू सो मच प्रीति एंड गुरकिरत। मेरे डिश का नाम द बेरी फॉरेस्ट है, एंड मैंने स्ट्रॉबेरी का जेली बनाया जो मशरूम का टॉप है, और ब्लूबेरी का कलाकंद अंदर फिल्ड है, एंड रास्पबेरी स्टोन्स हैं। आई थिंक डिश की टेस्ट के बारे में बात करूँ तो आपने बहुत अलग अलग टेक्सचर्स लिए, बहुत अलग फ्लेवर्स लिए। आई फील वन बाइंडिंग फैक्टर इन सबको मिलाने के लिए इन माई ओपिनियन इज मिसिंग। जो कोर इन्ग्रीडियंट जो बेरीज है, मेरे लिए छुप गया है ये डिश में। फिलो शीट जो आपने बनाई है वो थोड़ी आपने जल्दी की है, एक ही जगह पे क्या है, बहुत मल्टीपल लेयर्स की है, तो उससे क्या हुआ कि एक परत जो है वो पूरी पक गई, और जहाँ मल्टीपल लेयर्स थी वो कच्ची थी बीच में। तो वही हुआ जिस बात का डर था, जजेस को वो टिक-टिक नोटिस हुई, जो आई गेस हमारी तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। पहली चीज तो ये है कि कभी भी अगर शार्प डूल या टूथपिक आप डालते हैं, पहले उसकी शार्प साइड को तोड़ते हैं, ताकि गलती से भी कोई खा ले तो कटे ना। दूसरी चीज, आप नहीं डालते हैं अपनी प्लेट पे ऐसी कोई चीज जो एडिबल ना हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको चाहिए थी, गनाश से बाइंड कर सकते थे। ऑफ कोर्स, थोड़ा बचकाना हो गया, आई एम सॉरी। एंड अब मुझे लग रहा है कि इस चीज का इफेक्ट मेरे जजमेंट पे भी पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। और अब बारी है रिजल्ट्स की, और ये जानने की कि आज कौन सेफ होगा और साथ ही जीतेगा पावर कार्ड।
रेडी? यस शेफ। लेट्स डू दिस। आज आप 12 होम कुक्स ने और शेफ्स ने मिलके बहुत बढ़िया मैजिक क्रिएट किया मास्टर शेफ ने। याद रखिए कि मास्टर शेफ की फाउंडेशन आप लोग हैं। आपने ही मास्टर शेफ में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था। आज हमारे ये सीजन के लोग वही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं और उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर द बेंचमार्क्स। कांता जी, हम हर तीसरे दिन देखते हैं आज शांता जी ये वाले इवेंट में चीफ गेस्ट थी, आज शांता जी ये वाले इवेंट में चीफ गेस्ट थी। हाँ, कैसा लग रहा है? पहले शांता को सिर्फ वो गांव या वो मेरी जन्मभूमि जानती थी, आज शांता को इंडिया में घर घर में जानते हैं। आज मुझे मेरे पापा के नाम से या मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं बुलाते, आज मास्टर शेफ शांता बुलाते। क्या बात! अब वो गांव छोटा नहीं है, अब वो बहुत बड़ा सा शहर बन गया। सब लोग उस गांव को जानते हैं आपकी वजह से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मास्टर शेफ। नहीं ज्योति, जब हम पिछले सीजन में टैलेंट ढूंढ रहे थे, हमें खबर लगी कि एक ये इंस्टाग्राम पेज देखिए, ये एक लड़का है, इसका खाना देखिए। हमने कहा खाना बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने बोला अब हम आपको इसका गांव दिखाते हैं, और गांव की इमेजेस और खाने के इमेजेस मैच ही नहीं हुए। जब सर विकास हमारे घर में आए थे मास्टर शेफ ऑडिशन के लिए, उस टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना दूर पहुंच जाऊंगा, एक दिन मास्टर शेफ का विनर बनूंगा। तब उस इंस्टाग्राम पेज को देख के शेफ विकास ने डिसाइड किया कि वो तिनसुकिया जाएंगे, नयन ज्योति को लेके आएंगे खुद ऑडिशंस के लिए। मैं आपके घर पे हजारों किलोमीटर दूर आपके हाथ की बनी हुई डिश चखने आया हूं। असम के चाय के खेतों की तरह खूबसूरत है डिश। It was an honor for me to meet your Thank family. You. Thank you, chef. Thank you. I was moved by his honesty. और सारे इंडिया को इन्होंने एक नई होप दी कि फर्क नहीं पड़ता किस शहर से आप आते हैं, एज लॉन्ग एज योर पैशन इज ट्रू, आपको अपनी पहचान मिली जाएगी। Yes, chef. तो थैंक यू नयन ज्योति। केडीके जी, आपको मालूम है कि आपकी वजह से कितने लोग इस साल ऑडिशन में आए थे। देख के एक हाउसवाइफ मास्टर शेफ में आके चेंज कर सकती है अपनी आइडेंटिटी, अपने लोगों की, अपनी फैमिली की, अपने शहर की आइडेंटिटी। यू रियली इम्पैक्टेड सो मेनी पीपल। थैंक यू। आज लोग मेरे को पहचान रहे हैं और मेरा जैसा बनना और मेरे जैसे ऑडिशन देने आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को लग रहा है कि ये किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। चलिए बैक टू द ऑर्डर ऑफ बिजनेस, और अब बताते हैं कि आज के इस कोर इंग्रेडिएंट और मास्टर शेफ के लास्ट सीजन के टॉप 6 होम कुक्स के साथ बनाई गई डिश के चैलेंज को किसने जीता है? अब आई रिजल्ट्स की बारी। मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि शेफ्स ने पूरा प्लेट खत्म किया। मुझे बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड हूं मैं कि आज पावर कार्ड मुझे मिलने वाला है। ऑब्वियसली हैरी को पावर कार्ड नहीं मिल सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि हम तो उतना समझ गए, कमेंट से पता ही चल जाता है। जो ये चैलेंज जीतेंगे उनको मिलेगा पावर कार्ड और वो इस हफ्ते सेफ हो जाएंगे। आज के इस चैलेंज के बाद जिस होम कुक की डिश हमें बहुत अच्छी लगी, हमें ये लगा कि उस डिश में डिटेल है, बारीकी है, प्रेजेंटेशन है, फिनेस है, फ्लेवर्स को मैनेज करने की समझ है, वो डिश मोहम्मद आशिक आपकी। ब्लैक एप्रन से बचा है तो कल मैं चिल करने वाला हूँ गैलरी से। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर आशिक, आप इस हफ्ते के लिए सेफ हैं और आप जीतते हैं पावर कार्ड। इस पावर कार्ड को यूज करके आप नेक्स्ट वीक के पहले 2 चैलेंजेस में से कोई भी एक चैलेंज स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस।
आशिक को मिला मुझे खुश हुआ और ऑल्सो थोड़ा फोमो हुआ क्योंकि मैं उस डिश से बहुत कुछ कर सकते थे. आई मीन लाइक इट्स अखोने फॉर गॉड सेक. मुझे बहुत खुशी है कि उसे ये मिला. उसे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है और मुझे लगता है वो जितना पकाएगा उतना सीखेगा. उसे थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो एक दो दिन थोड़ा कम सीखे. इट्स टाइम टू से गुड बाय हमारे पिछले साल के टॉप 6 होम कुक्स को. बहुत अच्छा लगा. आपको भेजने का दिल नहीं कर रहा लेकिन हम लोग जैसे लास्ट सीजन में भी कहते थे द शो हैज़ टू गो ऑन. थैंक यू वेरी मच. मोहम्मद आशिक कॉन्ग्रेचुलेशन. आप इस हफ्ते के लिए सेफ हैं और आप 8 आपसे हम मिलेंगे कल एक और नए मजेदार इंटरेस्टिंग और थोड़े टेढ़े मेढ़े चैलेंज के साथ. देखिए चैलेंज भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन खाना स्वाद होगा. हमारी गारंटी वहीं की वहीं है. इसलिए इंडिया आप कहीं मत जाना. कल खाने पे जरूर आना. ओनली मास्टर शेफ इंडिया एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी लिव. गुड नाइट. सी यू टुमॉरो. क्या सिर्फ एपेटाइजर से पेट भर लेंगे? मेन कोर्स भी तो एंजॉय करना है. तो लॉग ऑन कीजिए सोनी लिव पर.